बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब? और कैसे हैं वो सारे लोग जो बदलते हुए मौसम के साथ खुद नहीं बदलते? जी जी जी, कुछ लोग होते हैं ना जो आपकी जिंदगी में जो मुख्तलिफ तरह के मौसम आते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी आसानी कभी मुश्किल, तो वो उसके साथ बदल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर मौसम में आपके साथ खड़े रहते हैं, और ऐसे ही लोग पायदार होते हैं, जिंदगी का सरमाया होते हैं, अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। तो कैसे हैं वो सारे लोग जो हर मुश्किल हर लम्हा हर खुशी हर गम हर मौसम में आपके साथ खड़े रहते हैं? और मुझे उम्मीद है कि आपका अपना शुमार भी उन लोगों में होता होगा जो रिश्तेदार दोस्तों और हर तलक वाले के साथ खड़े रहते होंगे, स्पेशली जब वो मुश्किल में है। और इसके अलावा जिन लोगों की आज बर्थडे है मेरी तरफ से, एफएम 97 की पूरी टीम की तरफ से, और इस दीवारों की एक एक ईंट और इस पर होने वाला जो प्लास्टर हो चुका है और इसके अंदर जो बल्ब हैं, जो लाइटें हैं, जो पक्के हैं, ये एवरीथिंग, उन सब की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। मैं अल्लाह गिव यू चौकसारी हैप्पीनेस एंड सुकून, राज राज के हेल्थ एंड वेल्थ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड माय डियर, आई लव यू ऑल। जी, और आप रहते हैं कहीं भी, गांव में, शहर में, कहीं कस्बे में, सज्जे खब्बे, जहां भी आप रहते हैं, कच्चे मकान में, पक्के मकान में, नीचे वाली मंजिल में, ऊपर वाली मंजिल में आप रहते हैं, किसी टेंट में, किसी खेमे में, एफएम 97 के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एफएम है एंटरटेनमेंट चैनल, फैमिली चैनल, और आप हैं हमारी फैमिली, आपके साथ ही हैं वो सारे ताल्लुक, वो सारी खुशियां, वो सारी खुशबुएं, वो सारा म्यूजिक, वो सारी लय, वो सारे सुर ताल, और जो जो भी होता है वो सब हमारा जुड़ा है आपके साथ। जब आप अपना वक्त देते हैं, आप हमें मैसेज करते हैं, आप हमें कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यकीन कीजिए कि हम तहे दिल से उसके ममनून होते हैं, मशकूर होते हैं, और ये चीज हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है, बहुत कीमत रखती है, बहुत 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 कुछ रखती है। पहली कॉल है जी आज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ब्रदर? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कहा आपने। जी जी बिल्कुल। ओ कॉल कट गई जी। और हाँ, आज है खवातीन का आलमी दिन, तो जनाब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको इसकी मुबारकबाद, और सबको इसलिए कहा कि मेल फीमेल दोनों हैं, और फीमेल का तो आज दिन है, तो हर वो मेल जिसने मेरी बात को सुना है उसका भी, उसको भी मुबारक बनती है, क्योंकि उसके साथ भी कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बीवी है, कोई बेटी है, खवातीन किसी ना किसी रिश्ते में उसके साथ जुड़ी हैं, तो जो रिश्तों में साथ जुड़े हों उनका दिन हो तो मुबारक तो बनती है। सो हैप्पी वुमन डे एवरीबॉडी। और जनाब फेसबुक पे कुछ लोगों के मैसेजेस मिस हो गए हैं मुझसे, उनकी मैं माजरत, जैसे उसमें दीदादार का मुझे मैसेज नजर आया था, और भी एक तो मैसेज था, आदिल मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनका मैसेज मुझे नजर आया था, लेकिन वो स्क्रीन से ऊपर हो गया तो मुझे मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा। लेकिन उमर जो खड़े हैं वो कह रहे हैं कि इनसे मिलिए, क्या कहने जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। आहा। और आज का टॉपिक क्या है जी? दो शेर आपने मुझे सुनाने हैं। जिस दिन मेरे जहन में कोई टॉपिक नहीं आता ना कि आज मैंने किस मौजू में बात करनी है अपने सुनने वालों से, अपने देखने वालों से, उस दिन मैं कहना चलो शेरो शायरी हो जाए, दिलां दी गल हो जाए, अरमाना दी गल हो जाए, मोहब्बतां दी गल हो जाए, इश्कां दी मोहब्बतां दी, ते पता नहीं केड़ी केड़ी गल हो जाए, शेरां विच ही तो सारियां गल्लां होंदियां है ना। और शराफत अली बदर है मेरे साथ, और अब्दुल्ला है, और माही मुदस्सर है कि बेरुखी आपकी सर आंखों पर, यानी जलील करने का सोबार, शुक्रिया है ना ना जान दो। और उमर जखर है जी हमारे साथ कि दिल की बसात क्या थी नगाहे जमाल में, एक आईना था टूट गया देखभाल में, इतनी ज्यादा केयर करनी नहीं चाहिए ना दिल की, क्या ख्याल है।
कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दीजिए। अरशद मारी है सलाम कह रहे हैं, और अरशद मारी अगेन कह रहे हैं नाइस शो। और अदील अल्ताफ कहते हैं के लिए कट तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन पर तू तेरे संग ना गुजरे जिंदगी क्या है ये लिखा है, बस जो तेरे संग ना गुजरे, जो लिखना था शायद आपने। अदील अल्ताफ जब एक काम आता नहीं है तो करने की जरूरत क्या है, क्या लोड़े हैं आप उर्दू च लिखा करना है, अंग्रेजी तेरा हाथ तंग है मेरे नाल। बहरहाल जी अदील अल्ताफ मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि कट तो जाएगी तेरे बगैर भी लेकिन पर तू जिस पर जो तेरे संग ना गुजरे जिंदगी क्या है। आहो फिटे मुंह है के और ऐसा मैसेज सलाम कैसे हैं आप, योर नेम आज फर्स्ट टाइम शो सुन रही हूँ नाइस वन। और ये मुजीबा है फ्रॉम गुजरात, तो मुजीबा माय नेम इज फैसल रशीद, थैंक यू आपने सुनने की जहमत गवारा की। और अदील अल्ताफ ने अपना ऑटोग्राफ भेजा है, फोटोग्राफ इनफेक्ट कहना चाहिए। और अली ये क्या है, अली नासर अली कहते हैं कि जो मान रखने के लिए हारते हैं उनसे कभी नहीं जीता जा सकता। कहाँ होते हैं ऐसे लोग अली, कहाँ हैं वो लोग जो मान रखने के लिए हार जाते हैं, यार क्या बात है, कौन हारता है आजकल। अगर कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में है तो यकीन कीजिए यू आर सो लकी। और शरारती लड़का कह रहे हैं अस्सलामुअलैकुम भाई नाइस शो फ्रॉम रावलपिंडी, थैंक यू शरारती। ये शरारती आपका अपना ख्याल है अपने बारे में या लोगों का ख्याल है कि इन्नू राम नहीं है। और मुजीबा कहती है जी उनका फेवरेट टॉपिक है पोएट्री, लेकिन पोएट्री उन्होंने सेंड कोई नहीं की, पता नहीं अब अल्लाह खैर ही करे ये कैसा फेवरेट टॉपिक है। और अली नासर अली कहते हैं कि इस दुनिया में वो बहुत लोग हैं जो मान रखने के लिए हार जाते हैं, तो बाकी दुनिया उन्हीं लोगों की वजह से चल रही है, जब ऐसे लोग भी खत्म हो जाएंगे फिर तो गल मुक जाएगी, क्यामत आ जाएगी और नकारा बज जाएगा ना। जी तो फेसबुक वाले दोस्तों को मैं ये कहूंगा कि मेरी जो कमर्शियल आ गई है रेडियो पे, कमर्शियल ऑन एयर है इस वक्त, तो आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से हैं आप। और ये जो शेर आप मुझे भेज रहे हैं ये सिर्फ शेर है या दिल की आवाज है, सम टाइम हमें वही शेर सूझता है जो कहीं ना कहीं कभी सुना कभी कहा किसी को, कभी रिजेक्ट हुआ कभी एक्सेप्ट हुआ, कभी किसी ने मान रखा कभी किसी ने दिल तोड़ा। शायरी कमाल है वैसे, अगर शायरी नहीं होती तो दिल के इतने स्यापे नहीं होते, दिमाग के इतने फतूर नहीं होते, है ना। मेरा ख्याल है कि आप एग्री करेंगे कि शायरी ने ही इस दिल को खजल किया है, शायरी ने ही बंदे को लैला मजनू के चक्करों में डाला है, इस शायरी ने ही ये पिट से आपे पाए हैं, वरना काटी जानी थी जैसे अभी अदील कह रहे थे ना कि जिंदगी काटी जानी थी, लेकिन इस जिंदगी को औखा कर दिया है, जिंदगी को मुश्किल कर दिया है इस शायरी ने। और शरारती मुंडा कहते हैं जी कि मेरे फ्रेंड्स ने नाम रखा है वो बोलते हैं तो क्या बात है। और कोटले पहाड़े मोहल्ला जो है जी उसको क्या लिखा है जी के चेक पोस्ट है क्या मतलब। अच्छा ये अदील ने अपने घर का पता लिखा है, ओए जालमा। देखे जी आप अदील अल्ताफ जो के कोटले पहाड़े मोहल्ले में रहते हैं उनकी तरफ से पूरा कोटला अरवली हाँ को सलाम। और हाँ ये मैं बता दू ना अदील अल्ताफ जो स्पेन में होते हैं और जिनके वाले साहब कुवैत में होते हैं, जिस मुल्क का करेंसी का रेट सबसे ज्यादा है, ना मैं तेन कोई अगवाई कर ले सुन के आगे माहिब दसर कहते हैं जी सर जी बिग फैन फ्रॉम, कहाँ लिखा है जी आपने, जम्मू एंड कश्मीर से हैं वो हमारे साथ, तो थैंक यू वेरी मच सर कि आप ऑलवेज मुझे बताते हैं कि यू आर माय बिग फैन एंड यू आर दी ओनली फैन, मेरा ख्याल है और कोई बंदा मुझे मेरा फैन नहीं है, एक आप ही हैं। तो रेडियो वालों को वापस ले लें फिर इंशाल्लाह गपशप जारी रहेगी। हेलो एंड वेलकम अगेन इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ एफएम 97 माइक, मैं हूं फैसल रशीद और आप सुन रहे हैं मुझे यस म्यूजिक ऑन व्हील्स में, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है
मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। ये खट्टी ये मीठी ये मीठी गुड़ बातें मैं करता हूँ ना ना मुझे इतने चज वसम कहाँ, ये सारी बातें करते हैं आप मुझे कॉल करके, मुझे SMS करके, मुझे मैसेज करके, मुझे व्हाट्सएप करके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस प्रोग्राम की रौनक है आप, इस प्रोग्राम का म्यूजिक है आप, इस म्यूजिक प्रोग्राम की जान है आप। और अदील अल्ताफ कहते हैं कि वो भी मेरे फैन हैं आहो। और शराफत अली बदर से कहते हैं कि वक्त आने पे देखेंगे किसकी दौड़ कहां तक है। हैं तरीके दम तुम्हारी गलत नहीं पे कर दे आजकल ही रोले ने ना। और वो क्या कहा था शायर ने कि तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से ये बोझ उतार दो कि मैं कई दिनों से उदास हूँ मुझे कोई शाम उतार दो। किसी और को मेरे हाल से गर्ज है ना वास्ता मैं बिखर गया हूँ समेट लो मैं बिगड़ गया हूँ सवार दो। और रजा भट्ट जो कि साउथ अफ्रीका में होते हैं उन्हें भी सलाम भेजा है अदील अल्ताफ ने। खैरा मेरा जी सत्य खैरा आ रहा रजा अजकल तेरे आ जा तू भी के कटने हूं वैसे भी वो खच टुर गई स्वीडन वापस आ जाओ। और शरारती लड़का कहते हैं कि इस वक्त जितने भी आर्मी पर्सन सुन रहे हैं हमारे फौजी भाई हमें सुन रहे हैं उन सबको शरारती मुंडा जो रावलपिंडी में रहता है उसकी तरफ से सलाम और FM 97 की यकीनन सारी टीम की तरफ से। मोहम्मद अफजाल है हमारे साथ वो कह रहे हैं हेलो तो वालेकुम हेलो बॉस। मुझे अपने रंग की धूप दो कि चमक सके मेरे खालो खद। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे खालो खद। मुझे अपने रंग में रंग दो मेरे सारे जंग उतार। और माही मुदस्सर कहते हैं जी कि मुर्शिद मेरी तो मन्नतें भी अभी बाकी थी मिन्नतें सॉरी कि मुर्शिद मेरी तो मिन्नतें भी अभी बाकी थी इतनी जल्दी वो शख्स बिछड़ गया मुझसे। उदार नहीं करता आजकल फास्ट जमाना है सर T20 टक टक टक। वैसे क्या आप लोगों ने कभी मन्नत मानी किसी खास बंदे के लिए, किसी खास बंदे के लिए मसल्ले पे आप रोए, किसी खास बंदे के लिए दरबारों पे हाजिरी दी, कोई तवीज धागा कोई टूना टोटका किया किसी ने जुम्मी के पास गए? सच्ची दसो मैनु। और मोहम्मद अफजल कहते हैं गदार ही बहुत कैसे चलाएं क्या 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 अफजल भाई। और ये जी अस्सलाम वालेकुम भाई क्या रहा है हम जीनत अवाना से। अच्छा मैं ठीक हूँ जीनत आप सुनाइए आप कैसी हैं। तो इसके अलावा मुझे ये पूछना था कि मौसम चेंज हो रहा है तो क्या आप लोगों ने मौसम गर्मा की शॉपिंग कर ली लेडीज एंड जेंटलमैन।
और आज खवातीन का आलमी दिन है, इसके मौके पर भी आप अपने रिश्तेदारों के लिए अपने मैं कॉल सुन लूं, फिर इस गाल को आगे बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर जी, ठीक ठाक है। मैं भी ठीक हूँ सर। कोई नई ताजी? शुक्र अल्लाह का जनाब, अपना शोर सुन रहे हैं, कल भी काफी इंतजार किया। अच्छा, शुक्र अल्लाह का जो है। बस जी आपकी मोहब्बतें हैं। अच्छा अच्छा, अब आप ये बताएं कि आज खवातीन का आलमी दिन है, तो अपने साथ जो रिश्ते में आपके खवातीन हैं, आपकी माँ है, बहन है, वालदा है, बीवी है, बेटी है, उनके लिए कोई एक जुमला आप कहना चाहें? उनके लिए एक जुमला बस यही कहना चाहूंगा कि हमेशा जो मोहब्बत करें औरत से। औरत आपकी माँ की शक्ल में भी है, औरत आपकी बहन की शक्ल में भी है, औरत बीवी भी है, औरत बेटी भी है, लेकिन मैं तो औरत ही है ना। जी जी बिल्कुल। औरत की जो है ना वो इज्जत कदर करे, औरत जो है ना वो घर का जो है ना वो घर की खूबसूरती होती है। कोई शक नहीं है, तो खूबसूरती जो है ना उसको हमेशा जो है ना संभाल कर रखना चाहिए। कोई शक नहीं, वजूद जान से है कायनात में रंग, और इसमें कोई शक नहीं है कि औरत किसी भी रूप में किसी भी फर्द की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा कोई एक दो शेर सुना दें अंसर भाई, फिर आप का खता छाड़ देते हैं। क्या मतलब, कभी जिंदगी में किसी पर दिल नहीं आया वैसे सच्ची सच्ची? तो आपका दिल आया था तो आप पंजाबी को माइया दौड़ा भी तो बंदे को याद आता ही है ना। आए नारा आए मोहब्बत। ओके अल्लाह हाँ, मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए, मोहब्बतें जिंदा रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जरा और फेसबुक पे हसनैन हमें कहते हैं कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। यस श्रीका नु आग लग दी, बरारो लगने हमें नहीं गाया गल है जी बीच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है चाचा जी? अल्लाह का शुक्र। मैं कहता हूँ जी बस दुआएं हैं आपकी करम, आप सुने आप सुने। अच्छा आप पहले तो खवातीन के आलमी दिन के मौके पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने औरत जात को एक रियासत का दर्जा दिया। माशाल्लाह क्या बात। और जो मर्द जिस हालत में जिस अहदे पे दिया उसे उसका सरबराह करे। क्या बात, बिल्कुल ठीक है। और उसे तस्लीम करना लाजमी है। अब पैगाम ये है जी जी कि जितने भी पौधे तकसीम किए गए ना, नानी दादी मामी चाची पुतो बहन भाई बीवी माँ, इन सारे पौधों का पास करें। बिल्कुल ऐसे इसी जगह पे आप अफसर हैं, इस जगह पे आप मतलब तलारत है, कोई कोई होता है तो कोई होता है, किस किस मुकाम जो जो मुकाम जहाँ जहाँ रखा गया है बिल्कुल अपने अपने मुकाम का पाठ करें और उसकी इज्जत रखें उस मुकाम। क्या बात जबरदस्त, उसको उस मुकाम का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया। और और बंद को जो मुकाम दिए गए औरत से वो अपनी जगह पे उनको इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। जब तक दोनों मर्द औरत अपने अपने ओहदों का पास नहीं करेंगे उस वक्त तक वक्त तो गुजर ही जा रहा है, लेकिन असल मकसद है दोनों का बाइस जिंदगी गुजारा। लेकिन एक माँ एक बेटा जी जी, अगर आप इनको खाली कर दो तो सब एक मर्द और औरत है। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना जी जी ऐसे। तो जब वो लड़का वो मर्द अपनी माँ को माँ तस्लीम करेगा तो वो ओहदे का पास करेगा। बिल्कुल ऐसे, अगर उसने उससे प्रैक्टिकल को पढ़ा ही नहीं, उसको जानते ही नहीं है, उसकी हकीकत को उसके जो भी है उसकी हिस्ट्री को उसने समझा ही नहीं है, फिर उसे वो माँ का तो कबूल करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। एक औरत है तो
आराम यही दूंगा कि जितने रुपये आपको दिए गए हैं उनको भाई बहुत इस्तेमाल करें, उनका पास रखें तो उसकी। बहुत शुक्रिया। चले आप एक एक आध शेर सुनाए। शेर मैं पंजाबी का मुझे किस मुकदमे में आया हुआ है। जी जी सुनाए। नारोवाल को गल है भाई जी एवं शहर एक तुसी सिर्फ शहर नहीं बोलिया गल खास ही बोली रमज ए डूंगी रमज है नारोवाल चल बहुत शुक्रिया जी अल्लाह सुन जी 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 चल बहुत शुक्रिया जी 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 बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज जनाब। और फेसबुक पे अफसर है हमारे साथ। और ये कौन है, ये कौन है इसने शेयर भेज दिए हैं? ये मुजीबा हैं। मुजीबा आपने इतने ज्यादा भेज दिए हैं। और लिखते हैं कि चूहे को लेगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहा बोला चलो कहीं आंख में चलो खेले आंख में चोरी। बिल्ली चूहे को खाकर बोली सॉरी जानू आई हेट लव स्टोरी। जबरदस्त जी, क्या बात है मुजीबा, कहाँ छुपी हुई थी आप? और वो कहती है कि योर बात के गिला नहीं करते, जो जख्म तूने दिए क्या लिखा है बरा नहीं करते। थैंक यू मजीबा। और ये इस्लाम ब्रो, आई एम शोएब अख्तर, योर शो इज गुड, थैंक यू शोएब जिगर। और ये कौन है जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अंसर फ्रॉम गुजरात, थैंक यू अंसर भाई। और ये कौन है जी, सदफ फ्रॉम लाहौर, सलाम हमजा भाई कैसे हैं आप? मेरा नाम हमजा हो गया, अच्छा थैंक यू। शो अभी सुनना उन्होंने स्टार्ट किया और कहा है कि दो मंथ के बाद सुन रही हूँ ना जी सर, उनको बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना लंबा ब्रेक क्यों किया। और ये जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई कैसे हैं? मैं अरबाब खारिया से फर्स्ट टाइम टेक्स्ट कर रही हूँ आपके शो में। फौजियों को सलाम, तमाम सुनने वालों को सलाम, और शो सुपर डुपर। मनामा उदास बारी, अंकल रफीक, खतीजा दोनों, मरियम को सलाम, जीनत हमजा, लवली ग्रुप को सलाम। टॉपिक के रिलेटेड औरत की इज्जत करना सीखें। ठीक हो गया जी, आप असल आपने किया है मैसेज तो मैं आपका एहसान मंद हूँ। 4:30 हो गए हैं तो 4:34 तक रेडियो पे है जी कमर्शियल। और फेसबुक वाले दोस्तों के साथ गपशप होगी जी। अब फेसबुक वालों ने क्या क्या मैसेज भेजे हैं वो भी चेक करते हैं जी। के छोड़ दिया हाथों की लकीरों पर एतबार करना हमने साहेब, दिलों में बसने वाले अक्सर लकीरों में नहीं मिलते। हाँ ये बात ठीक है वैसे, आपकी नसीब अपने अपने। और अफजल ने कुछ शेर भेजे हैं। और जीजान ताहिर कहते हैं कि तेरे गैसों की छाओं में शाम हो जाए, काश ये मेरी जिंदगी तेरे ही नाम हो जाए। भले पाकिस्तान को सलाम कहना जी, तो पाकिस्तान की तरफ से यानी जी 22 करोड़ बंदों की तरफ से अफजल साहब आपको वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया जी, ओके जी। अभी है कमर्शियल और उसके बाद इंशाल्लाह जब हम उनको साथ लेते हैं तो उन लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस भी पढ़ते हैं। तो ख़वातीन के आर्मी दिन पर मैं ये कहूँगा कि याद रखिए कि जिस दिन इस माशरे को ये बात समझ आ गई कि जिस तरह औरत इज्जत का पैमाना है, औरत का किरदार इज्जत का पैमाना है, उसी तरह मर्द का किरदार इज्जत का पैमाना है, उस दिन हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हैं जी, एम आई राइट? ओके जी, रेडियो वालों को ले लें फिर बात आगे बढ़ाते हैं। लो जी फिर एक बार फिर आया जी, आया नू वेलकम।
और अंसर का मैसेज आया हुआ है गुजरात से व्हाट्सएप पे भी, और ये व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, भाई मैं भी ठीक ठाक हूँ, और टॉपिक पे ये कौन है जीनत, हाँ कहूँगी कि मैं बहुत क्या लिखा है रोई हूँ सजदों में दुआओं में नहीं अपने इतर के लिए हैं। अच्छा शो बहुत अच्छा है, शो इज सुपर डुपर, थैंक यू। और वो पूछते हैं जी कि भाई खा लिया की क्या शेम शोर है, तो खा लिया एफएम 97 में शोर है यार। जी तो मैं बात कर रहा था कि आज खवातीन का आलमी दिन है, तो उस हवाले से हमारे माशरे में ये एक अजीब चीज है कि एक तो है अब ये चीज है काफी कम हो गई है हमारे इधर पंजाब के इस इलाके में, शायद उधर जनूबी पंजाब में या अंदरून सिंध या केपीके के कुछ बहुत जो पीछे के इलाके हैं वहाँ ऐसा हो कि मर जो बच्चा है उसकी तालीम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, बेटे का और बेटी को इग्नोर किया जाता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सूरतेहाल काफ़ी बेहतर है कि वालदैन वैसे ही बेटी की तालीम और तरबियत में दिलचस्पी लेते हैं जैसे बेटे की, और हमारे वैसे खाली गुजरात में तो बेटे वैसे पढ़ते भी नहीं है, डंकी शंकी लगानी होती है उन्होंने तो वो उधर नस जाते हैं। तो खैर तो बात यह थी कि हमारे यहाँ ये एक जो चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान में कॉमन है और शायद एशियन सोसाइटी के अंदर ये चीज़ है हमारे बरसगीर में खासकर, कि हमने इज्जत का ताल्लुक जोड़ दिया है लड़की से, लड़की का खुदा हास्ता कोई उल्टा सीधी बात हम सुन लें तो पूरे खानदान का जीना दुबार कर देते हैं, लेकिन उसी लड़की के साथ जिस लड़के का नाम आता है उसके खानदान को या उस लड़के की जिंदगी पर रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी इज्जतों के मैार में ये जो मुनाफ़त है, ये जो दोगलापन है, ये जो इनफैक्ट घटियापन है, जब तक मुआशरा इसको चेंज नहीं करेगा मुआशरा बाइज्जत नहीं कहला सकता। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि अगर एक लड़का बेहया है तो उसका खानदान या उसके लिए भी उतनी ही शर्मिंदगी की बात है जितनी एक लड़की के लिए, उस वक्त तक हम एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील नहीं दे सकते। जब तक हम इज्जत की तलवार सिर्फ लड़की के सर पर लटकाए रखेंगे, उससे उसका गला काटेंगे और लड़के को हम कुछ नहीं कहेंगे, उस वक्त तक ये सोसाइटी कभी भी जिंदा सोसाइटी नहीं बन सकती। चाहे जितना दिल है हम पढ़ लें, चाहे जितना दिल है हम जो दिल है कर ले, जितना दिल है आगे निकल दे। मुआशी तौर पर अस्सलामु अलैकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। अच्छा बहुत शुक्रिया। तो अब आप ये बताइए कि खवातीन का आज आलमी दिन है, तो कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत खूब बहुत खूब। अब एक शेर सुनाए फिर आगे बात करते हैं। नहीं देते तो चांद को चरखा दे देते हैं ना, जो बैठ के वहाँ बुढ़ी बाई कतती रहेगी। हैं जी चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और घर में खैरियत सब? किस? अच्छा अच्छा अच्छा, मेला लगा हुआ है, कितने दिन के लिए? अच्छा चले आ जाते हैं जी वहाँ आपके मेले में। वैसे मशहूर चीज क्या है, कवालिश वाली होती है, क्या चीज हुई है इस तरह की? जलेबी जलेबी मुफ्त, जलेबी और लंगर मुफ्त वंडते हैं या पैसे मंगते हैं? चले बहुत शुक्रिया खदीजा, इंशाल्लाह जरूर कभी आएंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से भी उन्हें वालेकुम सलाम कहिए और दुआओं की दरख्वास्त कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।
ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खतीजा जी हमारे साथ गुरको से, और जीनत जीशान अमान कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो कह रहे हैं कि खवातीन का आलमी दिन के मौके पर मैं सलाम पेश करता हूँ मोहतरमा शौकत खान को जिन्होंने इमरान जैसा बेटा जन्म दिया। जी ठीक है जी। और वकार अहमद अवान हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि मंडी बाउद्दीन से हैं वो, और आरजे, और कह रहे हैं कि टीम कैसी है एफएम की, तो सभी ठीक है सर, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो सर? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? लो जी फिर हमजा साहब, अज गल्ला सियाणियां बननियां, तुसी अज खवातीन दा आलमी दिन है कुछ कहना चाहो? यस, ये बात भी ठीक है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, चले किसी बहाने इज्जत करें तो सही। और शेर शेर आप आते ही को नहीं है। चल ओ यार, मैंने जैसे भी बताया ना, जिस दिन मैं सारा दिन बिजी रहूँ ना तो टॉपिक सोच ही ना सकूं, और यहाँ भी दौड़ता दौड़ता हूँ सर, यहाँ तो गाड़ी चला के जाता हूँ ना। ठीक है, तो बस है फिर, यहाँ स्पीड स्पीड यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ भी बीजीएम चला के कोई नहीं नहीं यार, वक्त थोड़ा होता है, वक्त थोड़ा होता है ना, तो ये होता है कि 4 बजे पहुंच जाए। हाँ रोड पे जी, ठीक है सर, आइंदा एहतियात की जाएगी सर। देव सलाम दुआ। अल्लाह हाफिज। हमजा दर्जी खालिया से हमारे साथ, और मेरे भाई मलक अजीम देख रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम, मलक साहब कैसे हैं आप? नेक्स्ट कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है मामा, अपने हाल लैनो लैनी आ गए हो? सर तुसी दसना, तुसी दस्या करो, मैं एफएम दा फोन चुके तुहाडे कोल आ जाऊंगा। जी जी अल्लाह ना छेड़ जख्मां नूं। बिल्कुल चले खैर, जदू गरीबा रोजे रखे ना ध्यान लम्मी हुई है जी। आवन दो जी, माशाल्लाह कित है, बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। चलो इंशाल्लाह ओके कर दियो ना, आज गल्ला करया करो ना छेड़िया करो मासूम बंदिया नू। अच्छा हुण दसो कि अज खवातीन दा आलमी दिन कोई गल करो इस मौजू ते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है जी। हाँ बे बड़ा जरूरी है, नहीं ये बात सच्ची है आपकी, यकीन कीजिए कि औरत जितना दिल है कमाती हो, जितना दिल है खूबसूरत हो, अगर उसे किचन के काम और घर के बाकी घर का ख्याल रखना नहीं आता तो वो खावन के दिल से बहुत जल्द उतर जाती है, तो ये बहुत जरूरी है, ये बात आपकी ठीक है जी। ना 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 सर, मैं खुद हाजिर हूँ जी जी, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ जी जी। क्या क्या जी
जी, बसा भी है ना, गड्डी भी अल्लाह ने दी है, कोई मसला जी जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अंदलीप कदर कह रहे हैं कि सलाम, कैसे भाईजान, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल ठीक हूं अंदलीप, आप कैसे हैं और कैसी चल रही हैं नौकरियां, शुक्रिया, कारोबार, काम धंधा? और ये मुजीबा कहती है आपने मेरे मैसेज नहीं रीड किए, कसम ले लो कीते ने, तुसी सुने ही नहीं है। जी 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 जी। और अंदरीप कहते हैं लव यू सर, तो लव यू टू बॉस। जी तो जैसे कि कहा कि आज है खवातीन का आलमी दिन, तो किसी भी रूप में खवातीन अगर आपकी जिंदगी में हैं तो उनका एहतराम कीजिए, अगर आपके साथ वो काम करती हैं ऑफिस। और मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि हमें स्कूल और कॉलेज में और घर में बच्चों को ये सिखाना होगा, क्योंकि आजकल मीडिया जिस तरह की जेन साजी कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो बहुत खौफनाक पिक्चर पेश कर रहा है। हमारी सोसाइटी ऐसी है नहीं जितनी जिस तरह की यानी लव स्टोरीज वहाँ चल रही हैं कि कज़न का एक ही मतलब है ड्रामों में तो कि उसके साथ दोस्ती करनी है, लव शव करना है। इसी तरह भाई की जो सालियाँ हैं और ये सब कुछ ड्रामे आप भी देखते हैं ज़ाहिर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर स्कूल के अंदर टीचर्स को, घर में पेरेंट्स को ये बात अपने बच्चों को रेगुलर बेस पर उनकी तरबियत का ये हिस्सा डालनी होगी कि बेटा ये जो कज़न्स हैं ये बहनें होती हैं। हमारे ज़माने में वैसे अच्छा था, ये कज़न वाला लफ्ज़ नहीं था इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक्त खालाजाद बहन, मामूजाद बहन, चचाजाद बहन, फुफोजाद बहन, तो बहन होती थी। अब ये कज़न ने आके तो बिल्कुल ही सीन उल्ट कर दिया और फिर मीडिया ने बिल्कुल इसको एक लव रिलेशन बना के रख दिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें टीचर्स को भी और घर में पेरेंट्स को भी बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ये जो कज़न्स हैं ये बहनें होती हैं, बहनों की जो सहेलियां हैं वो भी बहनें होती हैं, स्कूल में साथ पढ़ने वाली लड़कियां, ऑफिस में आपके साथ काम करने वाली लड़कियां भी बहनें होती हैं, उनको उसी नज़र से देखिए। ये बहुत ज़रूरी है इस मैसेज को डीपली समझना और इसको आगे पहुँचाना। पेरेंट्स और टीचर्स अगर इस ज़मन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करेंगे तो हम जिस तरह का माशरा, हम जिस तरह के माशरे की सूरत हम इख्तियार करते जा रहे हैं और हमारा माशरा जिस तरह डेवलप हो रहा है वो बहुत खौफनाक है, रियली बहुत ही खौफनाक है। ठीक है, जिस तरह जिंसी तशद्दुद बढ़ रहा है, बच्चों के साथ जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, और अभी लात दात चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती, लोग अपनी इज्जत के डर से चुप कर जाते हैं, लोग खौफ की वजह से चुप कर जाते हैं। ये तो जो चीज़ें मंजर आम पे आती हैं ये तो शायद हज़ारों में कोई एक आध केस होता है, बाकी 999 केसेस तो दफन हो जाते हैं। हमारा मुआशरा इस हद तक नाकाबले बर्दाश्त हो चुका है इन बुरी आदत की वजह से। तो अगर हम बींगे टीचर और बींगे पेरेंट्स और बींगे एल्डर या सोसाइटी मेम्बर, एक्टिव सोसाइटी मेम्बर, अगर हम नहीं करेंगे तो यकीन कीजिए कि सोसाइटी पहले ही बिगड़ चुकी है, बिल्कुल तबाह हो जाएगी, और फिर ऐसे मुआशरे को, ऐसी कौम को ना उसकी एटम बम बचा सकता है, ना उसकी मैशियत बचा सकती है, ना उसकी बेहतरीन फौज बचा सकती है। और सियासतदानों से गाली न करो, क्या ख्याल है? और अंदलीप कहते हैं कि ड्रामे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए जी, ये बेगैरती है, ड्रामा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ड्रामे तो जैसे जब देखते हैं तो यकीन ही नहीं आता कि ये पाकिस्तानी ड्रामे, बल्कि शायद इस तरह के ड्रामे किसी भी सोसाइटी में नहीं दिखाए जाते जिस तरह के आजकल दिखाए जा रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिन मैं फेसबुक पे क्लिप देख रहा था किसी ड्रामे का, पता नहीं बारिश में आग या आग में बारिश, कुछ इस तरह का नाम था उसका। उसमें बनोई साली को कह रहा है कि मेरे साथ रात गुजारो वरना तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तो इस तरह की सोसाइटी नहीं है हमारी, लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें फीड करते हैं नौजवान नस्ल के जहन में तो जाहिर है वो अपना रंग छोड़ती हैं, अपना असर छोड़ती हैं। तो हम सब पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, टीवी उनको क्या कर रहा है, ये चीज़ उनके माइंड को ग्रो करती है, उनके माइंड को का जो एंगल ऑफ थिंकिंग है उसे चेंज कर देती है। तो खुदा के लिए इस पहलू पर हुकूमत भी ध्यान दे और पेरेंट्स और टीचर भी ध्यान दें। जी तो रेडियो पे है कमर्शियल और
फेसबुक वाले दोस्तों के साथ क्या है जी कि आप लोग जनाब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपका काम धंधा कैसे चल रहा है। अगर आप बैरूने मुल्क में हैं तो वह महंगाई की जो सूरत हाल है और पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं। और इसके अलावा जनाब तकरीबन 13 मिनट रह गया है मेरा शो ख़त्म होने के लिए, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा फेसबुक वाले दोस्तों से। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने साथ जुड़े हुए सारे रिश्तों का और ख़ासकर माशरे के अंदर ख़वातीन के एहतराम के हवाले से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर अदा कीजिए। और दिलीप कहते हैं पेट्रोल उधर भी महंगा हो गया, कोई गल नहीं, साइकिल चलाओ। रब रखा।